परेशान किया इन्होंने इन दोनों को मैंने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं स्नेक लवर सर जी। जो भी इस चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये दोस्तों अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा मुझसे बचना है इसको, और मुझसे ही नहीं इनसे भी बचना है इसको। मुझसे साइज तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी भ्रांति, इसका डर इतना बड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज भी लोग, अगर यदि मैं कहूँ आप लोगों को, तो आज भी लोग इसके नाम से डरते हैं। इतना कुछ प्रचार करने के बाद भी, इतना लोगों को समझाने के बाद भी, आज भी इसके नाम से लोग डरते हैं कि ये यदि काट देता है तो बचना नामुमकिन है। हाँ, ये काटता है, इतनी ज़ोर से पकड़ता है, इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि कभी कभी तो खून की नसें भी फट जाती हैं, जिससे खून बहना बंद नहीं होता है। और इन स्थितियों में लोग घबरा जाते हैं और अटैक या स्ट्रेस की वजह से लोग मारे जाते हैं। बाकी ये जीव कभी भी इस तरीके से, मतलब कहीं से भी जहरीला नहीं होता है। ये गोह का बच्चा है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरफ छोड़ते हैं इसको। चलिए दोस्तों, आपको हल्दी दिख रही होगी, ये हल्दी काफ़ी आवश्यक थी दोस्तों, क्योंकि इसको चोट लग चुकी है। जहाँ पर इसका रेस्क्यू हो रहा था, उन लोगों ने पहले इसको मारने की कोशिश की, फिर उसको बचाने के लिए मुझे बुलाया, या यूँ कहें कि जब वो असफल हो गए, नहीं मार पाएंगे, तब जाके मुझे याद किया। दोस्तों आप इसे देख रहे हैं, ये मेरे पास जिस तरीके से बैठा हुआ है, ये अपना पूरा पूरा प्रयास करेगा इससे बचने का, क्योंकि इसके शरीर का यहाँ पर इसको चोट लगी हुई है, तो ये अपने शरीर को बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये फिर भी अपना प्रयास पूरा करेगा मुझसे बचने का, या मुझसे किसी भी तरीके की चोट भी पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों ये जो आप सिरा देख रहे हैं, ये चोटिल तो नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है इस तरीके की परिस्थितियां सांपों में बनती हैं। तो अभी ये स्थायी है दोस्तों, ये अपने इसको निकालते हैं। हमारे एक और स्टाफ को आप देख ही रहे हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम इसको निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अभी की स्थिति में जो देख रहे हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा स्नेक लवर सर जी चैनल पे आपको पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये दोनों मुझे भांप रही हैं, इनकी निगरानी में, तुम का है, इनकी निगरानी में ये समझ से परे है कि आखिर ये क्या स्टेज में मैं इनको लेकर के आया हूँ। दोस्तों पहली बार रेस्क्यू या रिलीज देखे होंगे, उनमें इतना अच्छा नज़ारा आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, जितना शानदार नज़ारा आप लोगों को अब
देखने को मिल रहा है दोस्तों, बहुत पास कर रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये, और अगर यदि मैं किसी भी तरीके का मूवमेंट करता हूँ तो ये मुझे बाइट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों, जैसा नज़ारा अभी आप मेरा देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपड़ैल घोड़ों से रेस्क्यू किया हुआ है, घर के ऊपर जा कर के मुझे रेस्क्यू करना पड़ा है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सुखद और शानदार नज़ारा दोस्तों। तो क्या करें, रिलीज़ करें, मन नहीं कर रहा दोस्तों। इतना अच्छा नज़ारा जो आप देख रहे हैं ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों। वैसे तो मैं इनको परेशान करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन चलिए फिर भी एक ने तो पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया है, आपने देखा होगा उसने यहाँ से। देख रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने, ये तो अपना वेट ही नहीं सह पा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे ये, चलिए एक ने चल दिया। एक ने चल दिया है और हम सो चाहेंगे इसको भी भेज दें। चलिए दोस्तों हम इसको भी जाने देते हैं। इसका लगता है जाने का मूड नहीं है। इसका लगता है जाने का मूड नहीं है दोस्तों। एक तो ओझल हो गया है आंखों से, अब इसकी बारी है। इसकी इच्छा तो मुझे नहीं लगती है कि ये जाना चाहे। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे ताकि ये यदि जाना चाहे तो चला जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।